खराब वायु गुणवत्ता की वजह से 2 दिसंबर से बंद दिल्ली के स्कूल्स आज से खोल दिए गए हैं। कल दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी करके दिल्ली में तमाम सरकारी व गैर सरकारी स्कूल्स को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक फिजिकल लर्निंग के लिए आज से खोल दिया था। ये निर्णय असल में CAQM यानी कि केंद्र की एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पे निगरानी रखने वाली संस्थान के चिट्ठी के बाद लिया गया था। हालांकि शनिवार से आज से स्कूल्स दिल्ली में खोल तो दिए गए हैं लेकिन अटेंडेंस काफी कम है। स्कूल खुल गए हैं, सभी स्कूल घर पे बोर होते पढ़े तो स्कूल में आके एंटरटेनमेंट हो जाता है, बच्चों के साथ खेलते वेलते हैं तो फिर थोड़ा पढ़ाई भी हो जाती है, तो ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आता। अच्छा, तो क्या एयर क्वालिटी की वजह से बंद था, अभी उसको लेके चिंता है या अब लग रहा है ठीक है? अब तो ठीक है, थोड़ा होती एयर क्वालिटी। मास्क पहन के ही पढ़ाई करेंगे? यस सर, मास्क तो पहनना पड़ता है। 2 दिसंबर से स्कूल्स बंद थे, जो कई सारे इश्यूज आ रहे थे जैसे पॉल्यूशन हो गया और कोरोना की वजह से तो इश्यूज थे, अब हमारे स्कूल खुल रहे हैं तो इससे हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे हमारे जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें कई सारे इश्यूज आए, जैसे हमारी क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन तो उसमें नेटवर्क इश्यूज थे, कई सारे प्रॉब्लम थे, तो अब दिल्ली गवर्नमेंट अगर स्कूल्स खोलती है जैसे खोल दिए हैं तो फिर हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे अगर हम टर्म सेकेंड जो हमारे बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें ज़्यादा, क्योंकि टर्म वन तो हमारा फिजिकल क्लासेस में समझने में आसानी होगी और प्रॉपर तरीके से हम इंटरेक्शन कर पाएंगे टीचर्स के साथ, और ऑनलाइन हम नहीं कर पाते।